दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, प्रज्ञान रोवर ने ऐसी अपडेट दी है, ऐसी जानकारी दी है जिसकी वजह से इसरो ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। दोस्तों इसरो चांद पर बहुत बड़ी खोज के नजदीक पहुंच गया है, ऐसी खोज जो सब सारे राज खोल देगी, जीवन की उत्पत्ति के, सूरज की उत्पत्ति के, धरती की उत्पत्ति के और हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की उत्पत्ति के कि दोस्तों यूनिवर्स बना कैसे था, ये सोलर सिस्टम कैसे बना था, सूरज जब शिशु अवस्था में था तब वो कैसा था, कैसे वो इतना गर्म हो गया और धरती जहाँ पे जीवन का नाम और निशान नहीं था वहाँ पे इतना जीवन पनप गया कि हर जगह पे पेड़ पौधे और जानवर मौजूद हैं। दोस्तों चंद्रमा कैसे बना, चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुआ, धरती के अंदर से कैसे एक चंद्रमा निकल गया, दोस्तों सारे राज मिल गए हैं और इसरो ने बड़ा तहलका मचा दिया दुनिया के अंदर। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, इसरो बहुत बड़ी खोज के बहुत नजदीक पहुंच गया है। दोस्तों साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होने वाला है। दोस्तों एस सोमनाथ जी ने मीडिया रिपोर्टर से जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, तो वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे तभी उनसे बात हुई, वो कुछ सेकंड्स मिनटों की थी दोस्तों, और उन्होंने जवाब ही दिया कि एक बड़ी खोज के नजदीक पहुंच गए हैं, कि सारे इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहे हैं लेकिन मुझे खुशी है कि हम बहुत बेहतरीन डेटा गैदर कर रहे हैं और हम वो सब खींच के निकाल रहे हैं चंद्रमा की सतह से कि क्या क्या डेटा मौजूद है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। दोस्तों आपको बताते हैं, दोस्तों हम साइंस में बहुत आगे पहुंच जाएंगे इन डेटा की वजह से। दोस्तों जो पेलोड लगे हैं, इक्विपमेंट लगे हैं चंद्रयान 3 के अंदर, विक्रम लैंडर के अंदर, प्रज्ञान रोवर के अंदर, वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और बेहद जरूरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये टेक्निकल चीजें हैं, हम आपको बता दें हमारे चैनल में, ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको लगे कुछ भी दिक्कत है तो आपको हम इजी से इजी भाषा में समझाएंगे। दोस्तों गौर से सुनिए, दोस्तों एक टर्म है लूनर वोलेटाइल स्कीम, ये क्या होता है इनको, दोस्तों इनके अंदर वो क्षमता होती है, लूनर वोलेटाइल में वो क्षमता होती है कि सॉलिड से वो गैस बन जाते सीधा, यानी जैसे पृथ्वी के ऊपर पानी है, पानी को क्या, पानी अगर बर्फ के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है तो पहले लिक्विड के फॉर्म में होगी और फिर वो गैस बन जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसे एलिमेंट मौजूद है जो कि सीधा सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं। ये टर्म नासा ने दिया था मगर आज इसरो ने दिल दहलाने वाली ऐसी खोज निकाली है कि दुनिया हिल गई है। दोस्तों रात को, दोस्तों जब सूरज की रोशनी पड़ती है पृथ्वी, देखिए दोस्तों होता क्या है, रात को सूरज की रोशनी नहीं होती है चंद्रमा के ऊपर, अब रात को क्या होता है -200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंच जाता है और दिन में क्या होता है +150 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो जाती है, यानी एकदम ठंडा और एकदम गर्म हो जाता है। दिन की वजह से कई एलिमेंट जो है भाप बन के उड़ रहे हैं, वो चंद्रमा में मौजूद ही नहीं है। अब बड़ा सवाल आता है कि जब चंद्रमा के ऊपर वो थे एलिमेंट तो गायब कैसे हो गए। दोस्तों ऐसी लूनर वोल्टाइक एलिमेंट जो है दोस्तों आज भी मौजूद होंगे चंद्रमा की सतह के अंदर, क्योंकि दोस्तों आप एक बात को समझिए, जब एक एस्ट्रॉयड अगर टकराता है चंद्रमा के ऊपर, वो खींचता है उसको अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो वो एस्ट्रॉयड जब टकराता है तो वो उसके सतह के नीचे तक चला जाता है, यानी कि क्रस्ट के अंदर आज भी उन एस्ट्रॉयड के अवशेष मौजूद होंगे और जो सतह के पास रह जाते हैं वो भाप बन के उड़ जाते हैं, क्योंकि सूरज की जो गर्मी है सीधा तो चंद्रमा के ऊपर जाती है, पृथ्वी की तरह वहाँ पे कोई एनवायरमेंट नहीं है दोस्तों। और ये लूनर वोलेटाइल एलिमेंट जो है वो आज भी मौजूद होंगे अंदर, ऊपर के तोड़ गए होंगे लेकिन अंदर आज भी मौजूद होंगे। दोस्तों एस्ट्रॉयड्स भी जो है अंदर घुसे हुए होंगे, वो पता नहीं पूरे सोलर सिस्टम से, यूनिवर्स से क्या क्या डेटा लेके आए होंगे कि पता नहीं कोई ऐसे प्लैनेट्स भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो घेरे इलाकों में वापस सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, इस वजह से वापस मोस्ट ऑफ द जगह पे परछाई रहती है, वो ठंडा इलाका रहता है। दोस्तों आप एक बात को समझिएगी, 450 बिलियन सालों से जो एस्ट्रॉयड टकराया था वो दफन है अभी भी चंद्रमा के अंदर, वो जानकारी दफन है। दोस्तों एक चीज लगी है प्रज्ञान रोवर के अंदर, उसे बोलते हैं APXS, यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, क्योंकि प्रज्ञान रोवर के पास वो क्षमता है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्सरे की मदद से वो डेटा कलेक्ट कर सकती है कि वो चंद्रमा की सतह के नीचे क्या है, वो जैसे हमारी बॉडी का जब एक्सरे होता है तो एक्सरे मशीन बॉडी के अंदर हड्डियों को देख सकती है, कहाँ फ्रैक्चर है कहाँ नहीं है, बॉडी के अंदर क्या क्या मूवमेंट हो रही है, वैसे ही वो चंद्रमा की सतह के नीचे कई मीटर्स तक नीचे देख सकता है कि अंदर क्या क्या है, क्या क्या एलिमेंट मिलने की क्षमता है नहीं है, क्या सीन है, वैसे ही दोस्तों वो सारा डाटा कलेक्ट कर रहा है। दोस्तों एक और इंस्ट्रूमेंट लगा है उसके अंदर, इसको बोलते हैं लिप्स, जो कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी कि वो लेजर फेंकेगा पहले और जब वो लेजर टकरा के वापस आएगी तो उससे एक डाटा निकलेगा जिसकी मदद से वो पता लगा सकता है कि सतह के नीचे क्या है, क्रेटर्स के अंदर क्या है और गहरी जगहों पे क्या क्या छुपा है चंद्रमा के ऊपर। दोस्तों ये माइनिंग के अंदर बहुत फायदा दे सकता है, अगर कोई एलिमेंट मिलता है तो माइन करके निकालना होगा तब बहुत फायदा देगा, लेकिन दोस्तों अंदर जो राज दफन है अगर इसरो के हाथ लग गए, जैसे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसी हुई, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसी और कितने प्लैनेट्स थे पहले, क्योंकि दोस्तों 450 बिलियन ईयर्स पहले क्या था, 400 बिलियन ईयर्स पहले क्या था, करोड़ों तो भूल ही जाइए, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात हो रही है कि क्या था यूनिवर्स के अंदर पहले।
दोस्तों सूर्य के अंदर क्या छुपा है, सूरज के जो सोलर सिस्टम में वो क्या क्या उसने चेंजेस कर दी हैं। सूरज भी कभी ना कभी जो शिशु होगा जब वो पैदा हुआ होगा, एक छोटा सा बच्चा होगा, बच्चा इन द सेंस कि वो जैसे कि नया नया जन्म हुआ सूरज होगा, नया नया सितारा होगा। आपको बता देंगे स्टार भी जन्म लेते हैं, जैसे कि सन एक स्टार है और वो जवान होते हैं, बूढ़े होकर मर भी जाते हैं और मरने के बाद वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। उसने तो वो जब शिशु अवस्था में था तो कैसा रहा होगा, आज जब वो इतना गर्म है तो तब कितना गर्म रहा होगा। और दोस्तों पृथ्वी भी आज इतनी ठंडी है कि वहाँ जीवन पनप सकता है, तो पहले तो बहुत गर्म थी, वो ठंडी कैसे हो गई अचानक से, जबकि बाकी प्लैनेट जो जैसे मार्स है, मार्स की मिट्टी में जब खोज की गई तो पता लगा कि मार्स की मिट्टी में ऐसे ऑक्सीजन से पता लगता है यहाँ पहले पानी मौजूद था, लेकिन एनवायरमेंट ना होने की वजह से वहाँ का पानी सब उड़ चुका है, जल चुका है, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी वहाँ पहुँचती है। दोस्तों ये पृथ्वी की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से हम लोग आज भी जीवित हैं और इतनी साइंस में तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों सूर्य की मूवमेंट क्या है, सूरज की फ्यूजन की वजह से जो सोलर विंड चलती है और करोड़ों मीलों तक जाती है रेडिएशन उसकी, तो उससे बाकी प्लैनेट में क्या असर पड़ता है, जैसे चंद्रमा के ऊपर असर पड़ता है। कई सारे एलिमेंट सूरज से खत्म हो चुके हैं और उसने बाकी प्लैनेट से भी खत्म कर दिया अपनी गर्मी की वजह से। दोस्तों जैसे मार्स की हमने एग्जाम्पल दिया आपको, दोस्तों एक बात समझिए कि पोटेशियम और सोडियम मून पे नहीं है, लेकिन उनको होना चाहिए क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पोटेशियम और सोडियम है, तो वहाँ क्यों नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या बात है, चंद्रमा पे नहीं है पृथ्वी पे है, ये क्या बात है। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रमा भी पृथ्वी के अंदर से निकला है, एक मार्स के मंगल ग्रह के मार्स के साइज का एक प्लैनेट जब पृथ्वी से टकराया था तब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी का एक टुकड़ा बाहर निकल गया जो कि चंद्रमा बन गया, सैटेलाइट बन गया और वो फिर पृथ्वी के चक्कर लगाने लग गया। दोस्तों ऐसे उत्पत्ति होगी, अगर वो पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है चंद्रमा तो उसके ऊपर वो अवशेष होने चाहिए थे, वो अवशेष क्यों नहीं है, या तो बहुत ही नीचे दफन है या फिर वो गए कहाँ पर। दोस्तों याद रखिए उसकी मिट्टी भी कुछ कुछ पृथ्वी जैसी ही होनी चाहिए। दोस्तों ये सारे राज ढूंढने में लगे हुए हैं एस सोमनाथ जी और इसरो के 200 साइंटिस्ट। अब देखना यह है क्या क्या चीजें, धरती जो पहले इतनी गर्म थी वो ठंडी हो गई क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आए जब वो टकरावट हुई, जब चांद की उत्पत्ति हुई। दोस्तों ये सारे चेंजेस, ये सारे क्या क्या हुआ था, ये सारे राज दफन है चंद्रमा के अंदर, और ये राज अगर इसरो के हाथ लगे, इंडिया के हाथ लगे, तो दोस्तों बहुत बड़ी एक साइंटिफिक बदखोज हो जाएगी। दोस्तों एक ऐसी न्यूज़ बन जाएगी दोस्तों जिससे ह्यूमैनिटी जो है 100 साल आगे पहुंच जाएगी। हो सकता है कल को हम चंद्रमा के ऊपर रह रहे हो, मार्स के ऊपर रह रहे हों, और हो सकता है हमारे बच्चे पोता पोती चंद्रमा के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हों, कि वहाँ पे घर बन जाए, वहाँ पे गाड़ियों में घूम रहे हों। दोस्तों कुछ भी हो सकता है। आज दोस्तों पहले जब शिप नहीं बनी थी, पहले एरोप्लेन नहीं, मतलब दूसरा कॉन्टिनेंट दूसरी कंट्री बहुत दूर लगती थी, आज प्लेन बन गई तो दूसरा देश पास लगता है, कि 12 घंटे में 24 घंटे में आप पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं। वैसे ही दोस्तों जो स्पेस क्राफ्ट बन जाएंगे, मून के सारे राज बन जाएंगे, मार्स के बारे में पता लग जाएगा, तो दूसरे प्लैनेट पे जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों ये सारी उत्पत्ति होगी और ये सारी खोज होगी। बने रहे हमारे चैनल पे, अगर आपने कुछ भी सीखा इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर कीजिए इस वीडियो को, सबको बताइए। धन्यवाद दोस्तों।